आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है कि हमें दो स्वामियों की सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लिखा है कि यदि जो कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा करता है वो एक से प्रेम रखेगा, दूसरे से बैर रखेगा। अब दो स्वामी कैसे, ये कई प्रकार से है परमेश्वर का वचन। कुछ आत्मिक रूप से है, कुछ शारीरिक रूप से है। इन बातों को समझने के लिए प्रभु आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। आपको पता है कि ये कैसा समय चल रहा है, और वचन में लिखा है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। अब बाड़ा क्या है? वो परमेश्वर की रक्षा और सुरक्षा का, परमेश्वर की व्यवस्था का, परमेश्वर की आज्ञा का बाड़ा है। परमेश्वर ने हम सबके चारों तरफ बाड़ा लगाया है, कुछ आज्ञाएं दी हैं, कुछ रूल्स ठहराए हैं, कुछ रेगुलेशंस दिए हैं। कुन बात किसी किसी बातों को लेकर परमेश्वर ने हमें समझाया है कि हमें अपनी लाइफ में प्रभु को जानने के बाद कैसे जीवन जीना है, और किन किन चीज़ों से दूर रहना है, और क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने हैं। बहुत सारी बातों को लेकर प्रभु ने हमें सिखाया है। अगर आप जानना चाहते हो कि परमेश्वर इन बातों को लेकर क्या कहना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, क्या बतलाना चाहता है कि हम कैसे लॉन्ग लाइफ ब्लेस्ड लाइफ जिए और अच्छी ज़िंदगी पाएं, तो उसके लिए आपको व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय ज़रूर पढ़ना होगा, जिसके द्वारा आप बहुत कुछ समझ पाओगे, सीख पाओगे, जान पाओगे, और क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो सब बातें समझ पाओगे। आज्ञा पालन की आशीष है, और आज्ञा को तोड़ने, आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम है, जिसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी बीमारियों के बारे में बताया गया है, ज्वर के बारे में, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आज हम लोग सुनते आए हैं या सुनी थी हमने। और इसके अलावा शुरू करते हैं, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है। और प्रभु ने साफ कह दिया कि कोई भी मनुष्य हो जाए, वो दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक से प्रेम रखेगा और दूसरे से बैर रखेगा। अब उदाहरण के तौर पर ये है कि जैसे अब मैं यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता हूँ, या कोई भी भाई है या बहन है वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा ले चुका है, या पवित्र आत्मा का दान पा चुके हैं, या प्रभु के चर्च में आते जाते हैं, या प्रभु की संगति करते हैं और अच्छे विश्वासी हैं, या सेवक हैं, या चर्च में जाना शुरू किया, या सिर्फ विश्वास ही किया है, चाहे सुनकर विश्वास किया है किसी से, तो एक विश्वासी है वो। और ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के साथ साथ ना तो किसी ईश्वर की पूजा कर सकता है, ना तो किसी पूजा पाठ का कोई सामान खा सकता है, ना ही कोई भंडारा खा सकता है, और ना ही किसी बहकावे में आकर, किसी के बहकावे में, चाहे कोई भी हो, चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे यार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अपने फैमिली मेम्बर हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे कोई रिलेशन में हो, किसी के भी बहकावे में आकर ना तो कोई पूजा पाठ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर इस बात से साफ नफरत करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। मतलब परमेश्वर को छोड़ के हमें किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी प्राणी को हमें ईश्वर करके मानना ही नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये दो स्वामी हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ हम मतलब मूर्तियों का चढ़ा हुआ खाते हैं। और इसके अलावा हम ये सोचते हैं कि यार यार दोस्त ना बिगड़ जाए, कोई दोस्त बुरा ना मान ले, कोई घर परिवार वाला बुरा ना मान ले, पापा बुरा ना मान ले, मम्मी बुरा ना मान ले, फैमिली बुरा ना मान ले, यार थोड़ा सा खाने में कोई नहीं, प्रार्थना करके खा लेते हैं ना, अरे भूख लग रही है बहुत तेज की, खा लेते हैं ना। सबसे बड़ी गलती करता है इंसान, दो नाव में पैर रखने के बाद कहते हैं ना कि इंसान डूबता ही है, पार नहीं जा सकता। स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक लगता है इंसान के सामने ना, एक परमेश्वर के वचन जो लोग जानते हैं, जो मसीह लोग हैं, ऐसे लोगों के सामने ना शैतान बहुत अच्छे तरीके से थाली परोसता है, बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट तरीके से खाना परोसता है, बहुत अपने प्रियों के द्वारा बड़े आश्चर्य कर्म के साथ परोसता है कि परमेश्वर के लोग उसमें फंसे। लेकिन जो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, आत्मा से भरा हुआ है, और परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है, तो परमेश्वर को वो दूसरा स्थान देगा ही नहीं, वरन परमेश्वर को पहला स्थान देकर और सिर्फ परमेश्वर ही को दंडवत करेगा, परमेश्वर ही की आज्ञा का पालन करेगा, बाकी सब चीज़ जो शैतान की ओर से है, जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, उसको नो करेगा। इस बात को समझने की कोशिश करना, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज एक व्यक्ति अपने दो स्वामी की सेवा करता है, क्यों, कैसे सेवा करता है कि कभी कभी घर परिवार के बहुत बड़े प्रेशर में कभी कभी सोचता है इंसान कि यार वो मेरा पति है, वो मेरी सास है, वो मेरी बहू है, वो मेरा परिवार है, ये मेरी फैमिली है, ये तो कर रहे हैं, अगर नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और लोगों का काम है कहना। जब तुम दुख में, समस्या में, परेशानी में, या किसी गरीबी में, या किसी घटिए में, या किसी ऐसी दुख तकलीफ में होते हो, तो उस समय वो लोग कहाँ जाते हैं, उस समय कहाँ चले जाते हैं, उस समय सिर्फ अपने कामों में बिजी हो जाते हैं क्या? उस समय पर जब आप समस्या में होते हो, जब कोई मदद नहीं करता है,
तो एक बात सोचने वाली बात है कि हम अपने परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को तोड़कर मतलब सांसारिक कामों में हाथ मिला लेते हैं लोगों की सिर्फ पल भर की खुशी के लिए, कि कोई मेरा यार दोस्त या मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरे माता पिता कोई बुरा ना मान ले, चलो कर लेते हैं, इनके साथ पूजा पाठ कर लेते हैं या चढ़ावा खा लेते हैं, या कोई दे गया तो उसको खा लेते हैं धन्यवाद करके खुशी खुशी से, या प्रार्थना करके खा लेते हैं या ब्लेस करके खा लेते हैं। मतलब इन चीज़ों को मतलब इतनी हम अहमियत देते हैं कि परमेश्वर के वचन को बिल्कुल हम तोड़कर उसकी आज्ञा का तिरस्कार करके, और जैसा कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम दूसरे को किसी को ईश्वर करके ना मानना और ना ही मूर्तियों का चढ़ाया हुआ खाना, और इसके अलावा परमेश्वर ने ये भी कहा है कि तुम दूसरे स्वामी दो दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, और ना ही तुम करोगे, ना ही तुम्हें करना है और ना ही तुम कर पाओगे। लेकिन फिर भी इंसान एक मनुष्य को खुश करने के लिए परमेश्वर को अपना बैरी बना लेता है, क्योंकि लिखा है ना, साफ अभी बोला है परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य संसार से संसार को प्रसन्न करता है या संसार से प्रसन्न होता है ना, तो वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है। संसार से मित्रता करना तो परमेश्वर से बैर करना है। अगर कोई मनुष्य किसी समस्या में, दुख में, कर्जे में, घटी में, बीमारी में, या रिश्ते टूटे हैं, या लड़ाई दंगा है, या कोई मौत एक्सीडेंट था, या कोई समस्याएं थी, तो ऐसे समय पर कौन मदद करता है? सांसें किसने दी हैं? पाप कौन क्षमा करता है? अनंत काल का जीवन कौन देता है? जब सब अपने छोड़ जाते हैं उस समय संभालता कौन है? आंसू को कौन पूछता है? और मतलब हर एक समस्या में, हर एक दुख तकलीफ में, हर एक परेशानी में खड़ा कौन होता है? सिर्फ यीशु खड़ा होता है। इस बात का ध्यान रखना, अगर आज कोई मनुष्य खड़ा है ना तो कल वो नहीं होगा। अगर आज कोई मनुष्य खड़ा है ना तो वो 10 बातें संसार का नहीं, वैसे तुम भी संसार के नहीं। हम संसार में हैं लेकिन हम संसार के नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखना। हम परदेशी हैं पृथ्वी पर, क्यों? क्योंकि हम स्वर्ग के हैं, और पाप और पवित्र एक साथ नहीं रह सकते, इस बात का ध्यान रखना। और हम पवित्र मेज में से, मतलब प्रभु की मेज में से, और प्रभु पर विश्वास करने के साथ साथ हम दुष्टों की मेज में से नहीं खा सकते। कई कई बार शैतान इतने लुभावने तरीके से, इतने अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करता है जिसमें इंसान को पता ही नहीं चलता है कि वो गलती कर रहा है। इंसान को अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता है, ना ही पता चलता है, बिल्कुल भनक भी नहीं पड़ती है कि मैं गलती कर रहा हूँ, या मैं पाप कर रहा हूँ, या मैं एक परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा हूँ। इसमें श्राप आ सकता है। इंसान 5,000 की ब्लेसिंग के चक्कर में 5 करोड़ की ब्लेसिंग को खो देता है। परमेश्वर की आज्ञा को ना पूरा करके, वरना अपने यार दोस्तों को भला बनाने के लिए, या यार दोस्तों के बीच में, या अपने घर परिवार में भला बनने के लिए, एक अच्छा प्रेमी, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, अच्छा मतलब प्रदर्शन करने के लिए परमेश्वर को अपने विरोध में कर लेता है, और उन मनुष्यों की बातों में आकर संसारिक वस्तु, संसारिक काम, संसारिक विचार, संसारिक बातों में अपने आप को दे देता है और परमेश्वर को अपना बैरी बना लेता है। फिर कहता है कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु मुझे आशीष नहीं देता, मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा, मैं तो प्रभु में कितने लंबे समय से विश्वास करती हूँ, कब से प्रार्थना कर रहा हूँ, कब से प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसा भी हो सकता है, और प्रभु में आने के बाद भी मुझे यही दुख देखने थे। अब इस बात को आप ध्यान से सोचकर देखना, ये बात आपने अपनी ज़िंदगी में अनुभव भी किया है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से लिया है, ठोकरें भी खाई हैं, संभले भी हो, बहुत गिरे भी हो, आंसुओं में रहे हो, दुखों में रहे हो, तकलीफ में रहे हो, और समस्या में रहे हो, सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लगा है कि कुछ भी नहीं है। अब मसीह में आने से पहले, यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले आपकी ज़िंदगी में क्या दुख नहीं था? दुख और परेशानियाँ, कलेश और समस्याएँ थी, लेकिन कहते हैं ना कि इस संसार की ठोकरों ने हमें प्रभु तेरे दर पर ला दिया, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आया, फिर भी हम दो स्वामियों की सेवा कर रहे हैं। हमें पता है कि पहले स्वामी के पास से अगर हम ठोकर खाकर आ गए हैं तो हमें यीशु के पास हम आने के बाद भी उन सब चीज़ों को, उन सब कामों को, उन सब रीति रिवाजों को हम क्यों पकड़ कर बैठे हैं? इसमें हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में आशीष नहीं आ रही, चमत्कार नहीं हो रहे, छुटकारा नहीं हो रहा, हमारे टूटे रिश्ते नहीं छूट रहे, बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है, या पति पत्नी में प्रेम नहीं आ रहा है, या अगर परिवार में अच्छे से रह रहे हैं तो शांति नहीं है, अगर शांति है तो धन की आशीष नहीं है, अगर धन की आशीष है तो बच्चे की आशीष नहीं है, अगर सब कुछ है तो किसी के बीच में प्रेम नहीं है, मनमुटाव की बातें हैं, ईर्ष्या है, एक दूसरे से विरोध रखते हैं, किसी की बात नहीं मानते, अनाज्ञाकारिता है, दोष लगाना, बुराई करने वाली बातें हैं, और गाली गलौज है, लड़ाई दंगा है, क्या फायदा उन सब चीजों का? क्यों? क्योंकि दो स्वामियों की सेवा है। एक बार अपने आप को जांचो। क्यों ऐसा? इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात में हमें चेतावनी देता है, हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं, हमारी थैली में कहीं छेद तो नहीं है? एक गुबाड़े के अंदर अगर एक छेद कर देते हैं ना, वो छेद किस प्रकार का? पाप का, अनाज्ञाकारिता का छेद कर देते हैं, तो सारी ब्लेसिंग्स, सारी सामर्थ, सारी ताकत, अच्छाई, शांति
और सुख चैन विश्राम और आराम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स उसके अंदर से निकलती जाती है, उस गुबाड़े में से निकलती जाती है। वो छेद क्या है? वो पाप का छेद है, वो अनाज्ञाकारिता का छेद है, वो छेद है जो हमारे पापों के और हमारे गलत चुनाव के कारण हुआ है, जो हमारे दूसरे के बहकावे में आने के कारण हुआ है। क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये मजदूरी में कमाई हुई चीजें, इस बात का ध्यान रखना, इसमें हमारा परमेश्वर दोषी नहीं है, ये हमने स्वयं मजदूरी में कमाया है। ये जो भी समस्या है, जो तकलीफ, ये कर्जा, ये गरीबी, ये बीमारियां, ये लड़ाई दंगे, ये मौत, जो एक्सीडेंट्स होते थे, ये मनुष्य ने अब मजदूरी में कमाया था। इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। परमेश्वर तो जीवन देने आया है, बहुतायत का जीवन देने आया है, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को चुनाव दिया है। आदम और हवा के समय में भी चुनाव दिया था। लिखा है कि जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसकी एड़ी को ढसेगा, सांप उसको ढसेगा। सांप क्या है? शैतान। शैतान उसके जीवन में काम करेगा। बाड़ा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। जो आज्ञा तोड़ता है शैतान उसके जीवन में काम करता है, और जहां पर शैतान काम कर रहा है वहां पर ब्लेसिंग्स रह ही नहीं सकती है। और आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और आज्ञा क्या है? प्रभु ने आज्ञा दी है कि तू दो स्वामियों की सेवा ना करना। क्यों? क्योंकि तू एक से प्रेम रखेगा, दूसरे से बैर रखेगा। आज एक मसीह व्यक्ति के जीवन में, मसीह भाई बहन के जीवन में छुटकारे क्यों नहीं थे? क्यों? क्योंकि मनुष्य ने, एक मसीह भाई बहन ने अपना दूसरा स्वामी भी बना रखा है। प्रभु के साथ साथ कोई दूसरा स्वामी भी है, मतलब परमेश्वर का डर नहीं है, और दूसरे मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए दूसरे कामों में हाथ मिलाना और मूर्तियों को चढ़ावा खाना या भंडारों में हाथ लगा लेना, भंडारे खा लेना या दूसरे रीति रिवाजों में हाथ मिला लेना, मतलब मनुष्य का डर खा के परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देना, मतलब परमेश्वर को बिल्कुल हल्के में लेना और बिल्कुल मनुष्य से भी हल्के में लेना, मतलब इसको बिल्कुल भी भय ना मानकर उसकी आज्ञा को पूरा ना करके वरन उसका अनादर कर देना। बस एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, इस बात का ध्यान रखना कि अगर परमेश्वर आपके फेवर में है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। चाहे भले ही आज थोड़े बहुत विरोधी हैं, चाहे अपने घर के विरोधी थे, चाहे अपनी सास, अपने ससुर, अपना पति या अपनी पत्नी या कोई भी फैमिली मेम्बर्स, कोई भी व्यक्ति आपके विरोध में आज है, तो ध्यान रखना अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हो, अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया है परमेश्वर के लिए, तो आने वाले टाइम में वो खुद आपके पास दुआ कराने के लिए आ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना, एक भविष्यवाणी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 60:14 में, देख तुझे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुका कर आएगी और तुझे दंडवत करेगी। मतलब दुख देने वालों की संतानें भी, इस बात का ध्यान रखना, खुदावन पीढ़ी से पीढ़ी तक काम करता है, लेकिन जब करेगा, जब आप उसके साथ साथ चलोगे और उसको पहला स्थान दोगे, सिर्फ उसी स्वामी की सेवा करोगे तब। लेकिन अगर आज अगर आपने परमेश्वर को दूसरा स्थान दिया, कहने का मतलब कि आपने परमेश्वर के होते हुए भी दूसरे स्वामी की सेवा करी या दूसरे पूजा पाठ में लगे या दूसरे दिया धूपबत्ती या कोई मतलब तारागणों के किसी देवता के या कोई जादू टोना से रिलेटेड या कोई भी ऐसे काम धंधे में लगे या झाड़ फूक करने वाले लोगों के साथ साथ कुछ या कोई पूजा पाठ का चढ़ावा उतारा करना या खाना पीना या बांटने में लगे, तो ये सब बात समझना ये दो स्वामियों की सेवा है। परमेश्वर इस बात से बहुत नफरत करता है, और जिन लोगों के लिए आपने ये काम किया है ना, अगर आज वो छोड़ के गए तो ध्यान रखना एंड में घुटने टिकाकर प्रभु के पास ही आने हैं। तो इससे पहले कि कुछ गलत हो, अपने आप को संभालो, प्रभु से माफी मांगो, पश्चाताप करो और प्रभु को पहला स्थान दो। जो चीज आपको परमेश्वर से दूर करती है उन बात के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ये इस काम के लिए ना पूछे, इस पूजा पाठ के लिए ना बुलाए, इस चीज के लिए मुझे ना बोले, इस चीज के लिए मेरे को लाउड ना करे, और ना ही मुझे इन चीजों में खींचे, ना ही मुझे कोई इन चीजों में अपने पास बुलाए, ना ही मुझे कोई इन चीजों के लिए फोर्स करे। तो प्लीज इन बातों को ध्यान रखो, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में काम करेगा। प्रार्थना करो, प्रभु के साथ बने रहो। अगर आज आपने इनकार कर दिया, क्योंकि साफ लिखा है कि जो मुझे मनुष्यों के सामने, दूसरों के सामने मान लेगा, उसे मैं भी अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। मानने का मतलब यह है कि सब चीजों को छोड़ देना, सिर्फ यीशु को मान लेना। नहीं भाई, मैं दूसरे मूर्तियों को चढ़ावा नहीं खाऊंगा, पूजा पाठ नहीं करूंगा, दूसरे कामों में हाथ नहीं मिलाऊंगा, भाई दूसरे कामों में मतलब अपने आप को सहभागी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं यीशु की सेवा करता हूं, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मुझे चंगा करता है, और मैं यीशु के ही भवन में जाता हूं और मैं प्रार्थना और उपवास करता हूं और मैं प्रभु में विश्वास करता हूं। मैं यीशु के सिवा किसी और को नहीं मान सकता, ना ही किसी दूसरे में कामों में हाथ मिला सकता। मैं सिर्फ यीशु के ही कामों में हाथ मिला सकता हूं और यीशु पर ही विश्वास करता हूं, यीशु के अनुसार ही मैं चलूंगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर परमेश्वर आपके पक्ष में है, अगर आपके साथ में है, अगर परमेश्वर यहोवा आपके साथ है, तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर बचाने वाले ने हाथ उठा लिया तो बाकी सब मारने के लिए, इस बात का ध्यान रखना। मनुष्य भी शमशान घाट तक ही साथ रहता है, उसके बाद सब अपने अपने, वो तो चलते टाइम ही कंधा बदल लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना, अपने भी जरूरत के समय पर काम नहीं आते, इसीलिए परमेश्वर को अपना बैरी मत बनाना।
आज जो छोड़कर गए हैं, आज जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण जो आपने विश्वास किया है, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हो, चाहे लोगों को आज आपकी प्रार्थना पसंद नहीं आती है, चाहे घर में सिर्फ आप अकेले विश्वासी हो, चाहे आपके घर में कोई विश्वास नहीं करता है, चाहे आपका दिल दुखाते हैं लोग, चाहे आपकी बुराई करते हैं या कमी निकालते हैं, दोष लगाते हैं या कहते हैं धर्म बदल गया, या तूने ये बदल लिया, तूने वो बदल लिया, या तू ऐसे काम करती तू वैसे काम करती है, प्रार्थना नहीं करेगी, ध्यान रखना आज जो बुराई कर रहे हैं आने वाले टाइम में वो खुद आपसे प्रार्थना कराएंगे और अपनी गलतियों के लिए लोगों को पश्चाताप होगा, माफी मांगेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा भी करेंगे और आपकी प्रशंसा भी होगी और परमेश्वर आपको सदा के घमंड का कारण ठहराएगा, शत्रुओं के आगे मेज लगाएगा और आपको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा, वरन लोगों के मन में आपके लिए एक इतनी उम्मीद और इतना प्रेम आ जाएगा कि लोग अपने घर पर बुलाने के लिए आपसे इच्छा रखेंगे, आपसे बात करने के लिए इच्छा रखेंगे और आपके पास टाइम नहीं होगा। ये सब कुछ कब होगा? ये सब कुछ जब ही हो पाएगा जब आप प्रभु के साथ बने रहोगे। कहते हैं ना कि चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे अपने छोड़ जाएं, चाहे अपने सताएं, चाहे सब विरोधी बन जाएं और चाहे हमारे प्रभु के रास्ते पर चलते हुए अगर पैर भी लड़खड़ाएं, तो सिर्फ यीशु को याद रखना। जब यीशु जयवंत हुआ है तो उसने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। उसने कहा है कि देखो ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, तुम्हारी आशा और विश्वास जाता ना रहे। परमेश्वर हमसे दो चीजें कभी नहीं लेता, इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहला है कि सहने से बार परीक्षा नहीं लेता। लिखा है कि देख मैं तेरी सहने से बार परीक्षा नहीं लूंगा और तेरे को मैं उस परीक्षा में से पार भी कराऊंगा और तू परीक्षा में स्थिर रहकर जीवन के मुकुट को पाएगा और जीवन के मुकुट को पाएगी। और दूसरी बात, वो हमारी जान नहीं लेगा, इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यीशु ने जान अपनी दे दी है, वो हमारी जान क्यों लेगा? और इसके अलावा शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके घर में एक परीक्षा हो, या हो सकता है कि किसी भी तरीके से आपके लाइफ में कोई परीक्षा हो। परीक्षा किस प्रकार से? जैसे कि अपने प्रभु के नाम पर विश्वास करने के कारण लोग बोलते कि तूने धर्म बदल लिया, या तू विश्वास करती है, तू पूजा पाठ तूने छोड़ दिया है, अपने बात करना बंद कर देते हैं, फिर पति बात करना बंद कर देता है, पत्नी बात करना बंद कर देती है, फैमिली बात करना बंद कर देती है, अपने विरोध में हो जाते हैं, अच्छे से खाना पीना नहीं मिलता है, इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता है। तो ये एक तरीके से परीक्षा है, परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु को पकड़ के रखा है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब कुछ टेम्परेरी है, ये सिर्फ कुछ ही पल का है। हमेशा के लिए तो परमेश्वर का आनंद है और परमेश्वर की भरपूरी है और परमेश्वर की बहुत ऐसे आशीष है और प्रेम है, परमेश्वर की अनंत करुणा है। ध्यान रखना, ये जो दुख आप सह रहे हो ना, ये सिर्फ टेम्परेरी है, ये कुछ ही पलों के लिए है, जो आज है कल नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें बने रहे तो प्रभु आपको सदा के घमंड का कारण ठहराएगा, वो देगा जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, जो आपके कानों ने नहीं सुना, जो आपके मन के चित में नहीं चढ़ा। ध्यान रखना, प्रभु अपने उसे प्रेम करने वालों के लिए करने जा रहा है और जो उसे प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। ध्यान रखना, चाहे परीक्षा है, परमेश्वर आपको निकास कराएगा, सहने से बाहर नहीं लेगा, मजबूत करेगा आपको, आपको सिखाएगा कि आपको कैसे प्रार्थना करनी है अपने पति के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि वो भी विश्वास करें और प्रभु में बढ़े, ताकि वो परमेश्वर के वचन के विरोधी ना बने, वो मसीह के विरोधी ना बने, वो परमेश्वर के फेवर में आए और सच्चे नाम यीशु मसीह पर विश्वास करें, उद्धारकर्ता पर विश्वास करें और उद्धार पाए। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। बस इस बात का ध्यान रखना है, आपके सामने दो चुनाव है ना, तो उसमें से आपको सिर्फ एक ही करना है, वो है परमेश्वर का वचन। चाहे आपके सामने उत्तम बेस्ट से बेस्ट थाली शैतान ने परोस दी है कि तू प्रभु को छोड़ दे तो तुझे ये मिल जाएगा, तुझे वो मिल जाएगा, या फिर तू प्रभु पे विश्वास करता है तो कोई बात नहीं है, तो खा सकते हैं, पूजा पाठ का खा सकते हैं, ये है वो है, नहीं कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी शैतान की बातों में बिल्कुल भी मत आना। ध्यान रखना, शैतान बड़े लुभावने तरीके से काम करता है, उसको पता है कि आपको कैसे गिराना है, कैसे लालच में डालना है, कैसे बुराई में डालना है, कैसे पाप में फंसाना है, कैसे बीमारियों में डालना है, उसको पता है, वो जानता है कि आपको वो कैसे समस्या में डाल सकता है। लेकिन अब ये आपके हाथ में है कि आप चुनाव क्या करते हैं, सिर्फ टेम्परेरी सुख को देखते हैं जो सिर्फ कुछ पल भर का है, या टेम्परेरी यार दोस्तों की हंसी को, या टेम्परेरी अपने घर परिवार वालों की हंसी खुशी को देखते हैं कि हाँ भाई कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, थोड़ी बहुत पूजा कर लेते हैं, कोई बात नहीं मंदिर चले जाते हैं, या कोई बात नहीं भंडारा खा लेते हैं, थोड़ी टेम्परेरी कुछ पल की खुशी को, आनंद को, या भरपूरी को, कुछ पल की मतलब अपने भूख मिटाने को, या कुछ पल के आनंद को देख रहे हो ना, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर बचाने वाले ने अपना हाथ उठा लिया तो संसार में सब मारने के लिए हैं। तो ध्यान रखना, शैतान आपको भरमाने ना पाए, बिल्कुल भी ना भरमाने पाए। और आपके सामने जब चुनाव होगा तो आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन का चुनाव करना है, परमेश्वर की आज्ञाएं याद रखनी है, उसके वचन का इज्जत मान सम्मान करना है, उसका पालन करना है,
और उसी को प्रसन्न करना है, उसी की इच्छा पूरी करनी है। क्यों? क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए जो ब्लेसिंग्स देता है, जो बरकत देता है, जो चंगाई छुटकारा देता है, जो आनंद प्रेम शांति और धीरज देता है, जो हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करता है, जो चंगा और आनंद काल का जीवन देता है, जो पापों को क्षमा करता है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। अगर उसको अपने विरोध में कर लिया तो कोई बचाने वाला नहीं है। ध्यान रखना, टेम्परेली सुख बहुत है आज संसार के अंदर, लेकिन परमानेंटली सुख कोई नहीं है, कहीं नहीं है, किसी के पास भी नहीं है सिवाय यीशु के। अगर होता तो आज यीशु के पास दर दर की ठोकरें खाने के बाद ना आते, इस बात का ध्यान रखना, पहले ही सब कुछ मिल चुका होता। तो इसीलिए प्रभु के पास आने के बाद भी हमें दो स्वामियों की सेवा नहीं करनी है। अगर आप अपने जीवन को ब्लेस्ड देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी गवाही दें, अगर आप चाहते हो लोग आपके बारे में बहुत प्रॉस्पेरिटी की बहुत बड़ी बड़ी और भली भली बातें कहें कि हाँ भाई ये बेटा ये बेटी कितनी ब्लेस्ड है, कितनी आशीषित है, कितने भले हैं, कितने चंगे हैं, कितने अच्छे जीवन हैं इनके, और ये दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, इनकी प्रार्थनाओं से चमत्कार होते हैं। अगर आप चाहते हो ब्लेस्ड लाइफ जीना तो सिर्फ एक ही स्वामी की सेवा करना, वो सिर्फ यीशु है। चाहे परिस्थिति कैसी भी है, चाहे अपने घर में आपको स्वीकार करना हो, चाहे अपने परिवार में, चाहे लोगों में, चाहे संसार में, सिर्फ यीशु के वचन को ही इज्जत देना, यीशु के नाम को ही इज्जत देना, और यीशु के वचन के आगे ही घुटने टेकना, यीशु के ही मतलब महिमा करना और उसी की प्रशंसा करना, उसी का नाम अपनी जुबान से लेना और उसी का धन्यवाद करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरे देवी देवताओं की चर्चा तो हमारे मुख से भी नहीं होने पाए, ठीक है। और ये भी लिखा है कि तुम अशुद्ध वस्तुओं को अपने जीवन में से निकालो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। अब ये अशुद्ध कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ वस्तुएँ हैं, कुछ काम है जो हमें अशुद्ध करते थे, और परमेश्वर ने कहा है जब तुम इसको निकालोगे तब ही मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। तो बस मेरे भाई और बहनों, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, गलतियाँ हम सबसे होती हैं। परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें इन बातों को सीखना है, समझना है, प्रभु के अनुसार चलना है और हर बात में प्रभु का वचन का चुनाव करना है। आज जो हमारे विरोध में थे ना, आने वाले टाइम में वो फेवर में होंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि ये सब कुछ, ये सभी प्रकार की ऐसी समस्याएं, ये दुख, ये पीड़ाएं, ये घर में कलेश, ये मेल मिलाप ना होना, ये प्रेम ना करना, बहुत सी ऐसी बातें जो घर के अंदर चल रही थी या आपको लगता है कि चल रही है, तो ये सब चीज़ टेम्परेरी है, इस बात का ध्यान रखना। ये परमानेंट हमेशा के लिए नहीं है और ना ही कभी हो सकती, क्योंकि प्रभु अपने बच्चों को ब्लेस्ड लाइफ देता है। ऐसी समस्या हमारे जीवन में हमारी गलतियों के कारण आती थी। अब बस मन फिराओ, पापों से तौबा करो और सिर्फ एक ही स्वामी की सेवा करो, विश्वास करो। विश्वास ना डगमगा पाए, उसका वचन कहता है कि वो हमारी आशा और हमारे विश्वास का परमेश्वर है, वो हमारी आशा को टूटने ना देगा। उसने साफ बोला है कि देख तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी, देख तू फिर कभी लज्जित ना होगी, देख तू फिर कभी लज्जित ना होगा। तब प्रभु आश्चर्य कर्म करने पर है, बस उसी का विश्वास करना, उसी पर मनन करना, उसी का ध्यान करना और उसी की इज्जत करना और उसी के राज्य को बढ़ाना और उसी का चुनाव करना और उसी स्वामी की सेवा करना। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।